स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वाला में। उम्मीद है आपने इससे पहले वीडियो देखी होगी जो कि हमने दिस और डेट की बनाई थी। आज हम दिस और दोस्त का प्रयोग समझेंगे कि उसको हम किस प्रकार समझ कर देंगे। आइए देखते हैं। दिस, इसको बड़ा दिस बोलते हैं, और दोस्त को हम दिस और डेट का बहुवचन रूप कह सकते हैं। दिस और दिस, ये दिस होता है, दिस और यह दिस होता है, मतलब दिस और डेट का बहुवचन रूप दिस और दोस्त को कह सकते हैं। दिस का बहुवचन रूप होगा दिस और डेट का बहुवचन रूप होगा दोस्त, क्योंकि दिस और दोस्त का प्रयोग हम एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए करते हैं। मतलब दिस और दोस्त का प्रयोग हम एक से अधिक व्यक्ति हुए, वस्तु हुई, स्थान हुए या आदि कुछ भी चीज़ें हुई, बहुवचन उनके लिए हम प्रयोग में लाते हैं। जब भी हम पास और दूर के लिए एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की बात करेंगे तो हम दिस और दोस्त का प्रयोग करेंगे। एक तो बहुवचन के लिए हमको इनका प्रयोग करना है, साथ में ये पास और दूर के लिए जैसे दिस और डेट का प्रयोग होता है इसी तरह पास और दूर के लिए भी हमको इसमें प्रयोग करते हैं। किंतु पास में बहुवचन वाली संख्या के लिए इसमें यूज होगा और दूर की बहुवचन वाली संख्याओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दिस का प्रयोग हम ये तथा दोस्त का प्रयोग हम वे के लिए करते हैं, और भी प्रकार से करते हैं। हमने कुछ मेन लिए हैं, ये और वे, ये लोग, वे लोग, ये पेन, वे पेन, इस प्रकार से आदि के लिए करते हैं। अब हम इन्हें उदाहरण द्वारा भी समझते हैं। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उदाहरण से और इसको देखते हैं। दिस का प्रयोग देखेंगे, ये पांच पेन हैं, ये मतलब पास हैं, पांच मतलब एक से ज़्यादा हैं, और पेन हैं, दिस आर फाइव पेन्स, ये पांच पेन हैं, ये कई कपड़े हैं, मतलब ये बहुत सारे कपड़े हैं, दिस आर मैनी क्लोथ, ये पास में, ये हम पास की वस्तुएं हैं इसलिए हमने यहाँ पे ये का प्रयोग किया है। दोस्त को देखेंगे, वे पांच पेन हैं, मतलब दूर रखे हैं इसलिए दोस्त का प्रयोग किया जाएगा। वे पांच पेन हैं, दोस आर फाइव पेन्स, वे कई कपड़े हैं, ये भी दूर रखे हैं, दोस आर मैनी क्लोथ्स। तो उम्मीद है आपने दोनों उदाहरण से समझा होगा कि दिस का प्रयोग हम किस प्रकार और दोस्त का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। बहुवचन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, पास के लिए दिस और दूर के लिए दोस्त का प्रयोग हम करते हैं। जल्दी ही नए टॉपिक के साथ आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।